रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ अपने नए किचन का टूर। फाइनली फ्रेंड्स, मॉडलर किचन का सपना मेरा पूरा हो गया। तो आइए आप लोग भी देखिए मेरा मॉडलर किचन कैसा बनके तैयार हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, आपको मैं ये रोलर शटर दिखाती हूँ जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है अपने किचन में। ये देखिए, ये मिक्सर इधर रखे हैं और ये आटा मेकर है, दोनों एक साथ में एक रैंक में आ गया है तो इसको इधर शिफ्ट कर दिए हैं। और ये सेकेंड पे ये ओवन के लिए स्पेशल बनवाए हैं फ्रेंड्स, लेकिन अभी ओवन नहीं है तो इसके लिए थोड़े ड्राई फ्रूट्स के लिए रख दिए हैं ये जगह। और ऊपर में ये देखिए, ये टोस्टर है और ये टिश्यू पेपर जो कि किचन में हमेशा ही काम आता है। और ये सिल्वर फॉइल, और इसमें जरूरत के सामान है जैसे कि केसर, सिल्वर वर्क और ये रबड़ जो कि किचन में आपको हमेशा काम आता है, तो ये सब इधर शिफ्ट कर दिए हैं। और ये स्टेपलर फ्रेंड्स, जब कुछ सामान आधा जार में भर करके जो बच जाता है पैकेट में, उसको मेरा आदत है फटाक से स्टेपलर कर देने का, तो इसके लिए मैं हमेशा किचन में रखती हूँ ये स्टेपलर। ये रोलर शटर फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया लुक देता है किचन का। आइए फ्रेंड्स, अब प्लेटफॉर्म के ऊपर देखते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा रैंक लगवा दिए हैं, उसमें डेली यूज के चीनी, चाय पत्ती, घी, ग्रीन टी, मूंगफली और हनी, ये सारे चीज डेली यूज में काम आते हैं तो इसके लिए इसको ऊपर में शिफ्ट कर दिए हैं। आइए अब इसमें देखते हैं, इसमें हाइड्रोलिक यूनिट है फ्रेंड्स, इसको पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, आप आधा खोल दीजिए ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। और ये मेरे प्यारे प्यारे से हर एक डिजाइन के बाउल रखे हैं इधर, जो कि आप लोग वीडियो में देखे भी होंगे फ्रेंड्स, अलग अलग मैं इसी में सर्व करती हूँ। आइए फ्रेंड्स अब दूसरा यूनिट देखते हैं, इसमें मेरे सारे केक के बेकिंग के सामान है फ्रेंड। ये देखिए, इसमें ही सारे छोटे बड़े बर्तन हैं जिसमें कि मैं केक को बेक करती हूँ और दिखाती हूँ, आपने वीडियो में देखा भी होगा। और ये केक के बोर्ड है फ्रेंड्स, छोटे बड़े हर साइज के। और ये स्प्रे बॉटल है जो कि मैं केक में स्प्रे करती हूँ। और ये डॉल केक का मोल्ड है फ्रेंड्स, मैं डॉल केक बनाती हूँ इसी में। आइए फ्रेंड्स अब हम लोग चिमनी वाले सेक्शन में चलते हैं। ये देखिए, फेवर का मैंने चिमनी लगवाया है, जिससे कि चिमनी लगाने से एक फायदा है फ्रेंड्स, आपका मॉडलर किचन जल्दी खराब नहीं होगा और लंबे टाइम तक चलेगा। और ये मेरा गैस स्टोव है 4 बर्नर का, जैसे कि सुबह बहुत सारा काम रहता है फ्रेंड्स, टिफिन बनाना और भी बाकी चीज करना, तो मैं फटाफट से 2-3 बर्नर तो यूज कर ही लेती हूँ और फटाफट आधे घंटे में टिफिन बन के तैयार हो जाता है। तो ये 4 बर्नर वाला बहुत ही यूजफुल स्टोव है फ्रेंड्स। चलिए अब दूसरे वाले यूनिट में चलते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, इसमें सारे हर डिजाइन के कप खरीदे हैं फ्रेंड्स और रखे हैं, मुझे वीडियो में बहुत काम लगता है ये सारे कप्स। जैसे कि ये वाला कप देख रहे हैं आप, इसमें लस्सी दिखाए थे। और ये वाला कप मेरा बेटा मुझे गिफ्ट दिया था, मिसेज ऑलवेज राइट, जो कि मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं इसको संभाल के रखी हूँ। और ये 2 छोटे प्यारे ग्लास भी है फ्रेंड्स, जो कि मैं वीडियो में दिखाती हूँ इसको। और ऊपर वाले यूनिट में फ्रेंड्स प्लास्टिक के सारे आइटम रखे हैं, जो भी जो कि हमेशा डेली यूज में नहीं लगता है उसको इस तरह ऊपर में रख दिए हैं, जो कभी कभी यूज में आता है।
आइए अब ये साइड वाले यूनिट में चलते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये नॉनस्टिक कढ़ाई है और वो इडली का बर्तन है और ऊपर अप्पम के बर्तन है। ये सारे मुझे वीडियो में लगते हैं, इसके लिए इसको इधर ऊपर में रखे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाउल, ये छोटे छोटे बाउल जो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, वो सब मैं एक जगह रखती हूँ। और इसमें सारे रेसिपी सर्व करती हूँ। ये छोटे छोटे कढ़ाई लिए हैं सर्व करने के लिए। ये देखिए, ये सारे मैं एक जगह रखती हूँ ताकि वीडियो बनाने के टाइम मुझे कोई परेशानी ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे ग्लास मैं एक साथ में रखती हूँ फ्रेंड्स। सारे जूस के ग्लास हैं, कोई गेस्ट आया तो फटाक से इधर से लेकर के दे सकते हैं, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये दूसरे रैंक में कप है, चाय के कप, सारे मैं एक साथ में रखती हूँ। ये देखिए, और ये GTPT है फ्रेंड्स, मैंने खास करके अपने किचन में लगवाया है। इसमें सारे क्रॉकरी के बर्तन आ जाते हैं। आप बर्तन को धो करके अगर रखेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें ट्रे दिया हुआ है, सारा पानी ये ट्रे में जमा हो जाता है। बहुत ही यूजफुल है फ्रेंड्स किचन के लिए। ये सारे सेट बाउल, छोटे बाउल, बड़े बाउल, सभी इधर आ गए हैं। और ये ट्रे, छोटे बड़े ट्रे भी इस पे रख दिए हैं। ये देखिए, और इधर सबसे लास्ट में फ्रेंड्स, ये एक्वागार्ड के लिए स्पेशल हम लोग बनवाए हैं ताकि कुछ भी बाहर दिखे नहीं, सारा बॉक्स के अंदर चला जाए। और सारे पाइप ये सब सारे अंदर चले गए हैं, स्विच अंदर ही दे दिए हैं फ्रेंड्स। इससे यूज करना बहुत ही इजी हो जाता है। और इसको बंद कर दीजिए तो आपको बाहर से कुछ दिखेगा भी नहीं। अब नीचे वाले में दिखाते हैं। ये देखिए, ऊपर में एक बास्केट रख दिए हैं एक रैंक में। नाश्ते के लिए कुछ थोड़े बहुत से स्नैक्स रखते हैं, जैसे ये भुजिया है, बिस्किट के पैकेट हैं, ये चने का भुजा है, तो ये सब चीज सारे एक में रख के ये डब्बे में एक जगह रहता है, इसके लिए इसको साथ में रख देते हैं। और ये नीचे वाले डब्बे में फ्रेंड्स, मेरे केक के सारे आइटम इसमें हैं, जैसे ये मेजरमेंट ग्लास है, ये जैसे केक कटर है, ये केक डेकोरेशन के लिए रिबन्स हैं हर कलर के। ये देखिए, इसमें सारे नोजल्स हैं, मैं सारे एक जगह रखती हूँ ताकि केक बनाने के टाइम मुझे प्रॉब्लम नहीं हो। और ये चॉकलेट के मोल्ड हैं, सब मैं एक साथ में रखती हूँ। इसमें थोड़े डेकोरेशन के सामान है केक के लिए। ये चॉकलेट के लिए ट्विस्टर है, रैपर है। और ये हैप्पी बर्थडे का टैग भी। और ये केक बनाने का टर्न टेबल है, ये भी मैं साथ में ही रखती हूँ। और इसके जस्ट बाद में फ्रेंड्स, ये पुल आउट बनवाए हैं जिसमें कि अलग अलग टाइप के दाल रखे हुए हैं। ये देखिए, जो डेली यूज में हमेशा लगता है हम लोगों को। और सेकेंड वाले में नमक है, हल्दी है, मसाले हैं, जीरा है, गरम मसाले। और नीचे वाले में भी सारे छोटे छोटे डब्बे में मसाले रखे हैं फ्रेंड्स। गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, लौंग, इलायची, कॉफ़ी, हींग, ये सब सारे मैं नीचे रखती हूँ। और बड़े डब्बे मैं ऊपर रखती हूँ ताकि इसको उठाने में प्रॉब्लम ना हो। और छोटे डब्बे ये नीचे रखती हूँ ताकि इस तरह निकालना ईजी हो। तो ये पुल आउट भी किचन के लिए बहुत काम का है फ्रेंड्स।
और ये एक बड़ा सा एक सेल्फ लगवा दिए हैं फ्रेंड्स। इसमें ऊपर वाले में चावल रखे हैं, नीचे वाले में आटा है, तेल है। इसमें बड़े बड़े डब्बे आ जाते हैं आराम से। और गैस स्टोव के जस्ट नीचे फ्रेंड्स ये तीन टाइप के ट्रॉली दिए हुए हैं। फर्स्ट ट्रॉली में ये स्पून, सारे सारे टाइप के स्पून है, ये मेजरमेंट स्पून है, और इसमें स्टील के सारे बर्तन हैं, छलनी कलछन सारे। और ये दूसरे वाले रैंक में नॉन स्टिक बर्तन में जो हम लोग यूज करते हैं वो सारे कलछन हैं, छलनी है। और ये वाले में ये छोटा सा एक खलबट्टा है जो कि हमेशा मुझे डेली यूज में आता है। मैं जब सब्जी बनाती हूँ तो उसमें फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर डालती हूँ। और साथ में ये मेजरमेंट कप भी है, और ये चाय के छन्नी, और ये भाजी मैसर, और ये छोटे छोटे स्पून रखती हूँ जो कोई सामान के अंदर डब्बे में डाल सकूँ, छोटे छोटे स्पून। और इसके नीचे वाले में स्टील के सारे ग्लास बाउल इसमें आ जाता है फ्रेंड्स, अच्छे से आराम से। और उसके नीचे वाले में ये बड़ा वाला ट्रॉली है फ्रेंड्स, जिसमें कि बड़े बड़े बर्तन आ जाते हैं। ये सारे टाइप के छोटे बड़े कढ़ाई है जो कि आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा भी होगा। और ये छोटे बड़े भगोना है, और ये पैन है, और ये स्टेनर भी है। तो ये सारे बड़े बड़े बर्तन इसमें बड़े वाले ट्रॉली में आ जाता है आराम से। और ये मेरा सबसे फेवरेट जगह है फ्रेंड्स, ये मेरा स्टोरेज बकेट है फ्रेंड्स, जो कि सारे सामान जो बच जाते हैं वो मैं इसमें पिनअप करके रख देती हूँ। पैकेट लाते हैं हम लोग डब्बा में भर के, जो एक्स्ट्रा बच जाता है तो मैं इसमें रख देती हूँ। और मैं इधर रखती हूँ ये सैंडविच मेकर है, और ये छन्नी बूंदी बनाने के, और ये फ्राई करने के, कुछ भी पूरी तलने के लिए काम में आता है, और ये जूस के लिए, जूस छानने में काम आता है। आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा भी होगा फ्रेंड्स। ये सब मैं ज्यादातर ऊपर वाले स्टोरेज में रखती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन आज आपको दिखाना था इसके लिए नीचे किए हैं। और इसमें मैं बड़े बड़े कुकर रखती हूँ फ्रेंड्स, जो कि अंदर आप देख सकते हैं, उसमें मैं केक को बेक करती हूँ बड़े वाले कुकर में। और ये कुकर भी तभी निकालती हूँ जब कुछ ज्यादा बनाना रहता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जलेबी बनाने के हैं, ये करंजी बनाने के, ये मोदक के, और ये आइसक्रीम बनाने के, सारे मोल्ड में साथ में ही रखती हूँ। ये ठेकुआ बनाने के, जो कि आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा भी होगा, मैं सारे चीज को, सारे मोल्ड को एक साथ में रखती हूँ ताकि कभी जरूरत पड़े तो आसानी से मिल जाए। और जस्ट इसके ऊपर मिक्सर के बर्तन हैं, और बाकी जो थोड़े बहुत सामान रहते हैं वो आ जाता है इसमें। और ये मेरा प्यारा सा मटका देखिए फ्रेंड्स, मैं खरीद कर लाई हूँ इसको मटका बिरयानी बनाने के लिए। ये मिट्टी के बर्तन, मैं इसी में बनाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो मटका बिरयानी। ये गैस स्टोव के नीचे तीन ट्रॉली आपको दिखाए फ्रेंड्स, और तीन ट्रॉली इस साइड भी लगवाए हैं, जिसमें कि फर्स्ट में ये सारे टिफिन वाले आइटम मैं रखती हूँ साथ में, और ये अदरक घिसने के काम आता है, इसके लिए इसको मैं ऐसे ऊपर में रखती हूँ।
सेकेंड वाले में ये सारे छोटे बड़े प्लेट्स रखे हुए हैं फ्रेंड्स, और ये मिक्सर के छोटे छोटे बर्तन हैं, और ये चाय के बर्तन हैं, और ये चॉपर है जिसको मैं इधर रखती हूँ। और तीसरे वाले में फ्रेंड्स ये सारे स्टील के थाली हैं जो कि मैं सबको इसको नीचे रखती हूँ, नीचे वाले ट्रॉली में। और ये नॉनस्टिक तवा है जिसमें कि डोसा बनाते हैं, उसको भी मैं ये बड़े वाले ट्रॉली में रख देती हूँ। और ये किचन का सबसे इम्पोर्टेंट जगह है फ्रेंड्स, जो कि ज़्यादातर लोग यूज नहीं कर पाते हैं इसको सही तरीके से। ये देखिए सिंक के नीचे वाला, जो कि बहुत लोग का ऐसे ही वेस्ट जाता है, लेकिन मैंने इसको बहुत अच्छे से करके रखा है। बर्तन धोने के डिटर्जेंट, डिशवॉशर के लिए सॉल्ट, रिंसेड, ये सब सारे चीज़ मैं इधर रख दी हूँ। फ्लोर क्लीनिंग के लिए लाइजोल, और ये फ्रूट्स धोने के लिए लिक्विड, सारे चीज़ मैं इधर ही शिफ्ट कर दी हूँ। और ये गेट में ही डस्टबिन का स्टैंड लगवा दिए हैं फ्रेंड्स, सिंक के नीचे आराम से आप इसको खोल करके आप इसमें कचरा डाल सकते हैं। ये देखिए, और ये देखने में भी कितना सुंदर दिखता है। ये देखिए, और ये सील पाटा है फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत दिन से पड़े हुए थे लेकिन मैं इसको फेंक नहीं रही हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है इसके लिए मैं इसको रखी हूँ। और गैस स्टोव के अपोजिट साइड फ्रेंड्स ये डिशवॉशर रख दिए हैं, और डिशवॉशर में जो भी लगने वाले सामान हैं वो जैसे सर्फ, रिंसेड, ये सब मैं इसके ऊपर रखती हूँ। ये एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट है जो कि मेरे किचन को बहुत सुंदर बनाता है, इसको इधर रख देते हैं। और डिशवॉशर के जस्ट बाजू में ये आलू प्याज का स्टैंड है फ्रेंड्स, और इसमें लहसुन अदरक सारे चीज बहुत ही आराम से आ जाते हैं। और ये आलू प्याज स्टैंड के बाजू में फ्रेंड्स एक कॉर्नर है, वो कॉर्नर में अपने फ्रिज को शिफ्ट कर दिए हैं इधर। मैं प्लेटफॉर्म पे ज्यादा फ्रेंड्स सामान रखती नहीं हूँ, इसके लिए बस एक ये रोटी का हॉट पॉट है, इसको इधर कोने में रख देते हैं, और बाकी ये पूरा खाली रहता है। और गैस के ये साइड में ये चाकू के, ये लेमन जूस निकालने के, ये छिलना, सारे मैं एक में करके रखती हूँ। और ये एक स्पून का स्टैंड है, वो भी इधर ही रखते हैं। और ये तेल का बॉटल, और इस साइड के कॉर्नर में फ्रेंड्स ये ग्लास का लगवा दिए हैं, और इसमें थोड़े आर्टिफिशियल प्लांट रख दिए हैं जिससे कि किचन मेरा बहुत ही सुंदर दिखता है। और इधर ये पानी का फिल्टर है, और साथ में एक मग में बॉटल में भी भर के रख देते हैं, कभी जिसको पीना रहे तो बॉटल लेके आराम से पी सकता है पानी। और इधर मेरा सिंक है, सिंक के ऊपर मैं एक बॉक्स जो अमेजोन से परचेस किए हैं इसको इधर कॉर्नर पे लगा दिए हैं, जिसमें डिटर्जेंट वगैरह, ये बीम जेल, और ये सफाई के लिए ब्रश, ये सब सारे सामान अंदर आ जाते हैं और बाहर से गंदा भी नहीं दिखता है। और इसके साथ में ये हैंड वॉश भी एक किचन में मैं रखती हूँ, जिससे कि हाथ साफ करना बहुत इजी हो जाता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इधर एक हैंड टॉवल के लिए, सिंक के ऊपर ही हैंड टॉवल के लिए लगवा दिए हैं फ्रेंड्स, ताकि आप हाथ धोएं तो फटाक से आप पोंछ सकते हैं। फ्रेंड्स जब मैं वीडियो बनाती थी तो मेरे किचन में लाइट बहुत कम दिखता था, इसके लिए मैंने ये प्रोफाइल लाइट भी लगवा लिए हैं। ये देखिए बॉक्स के चारों साइड, और ये सीलिंग लाइट भी, जिससे कि अभी किचन में पूरा लाइट लाइट ही दिख रहा है। फ्रेंड्स अब टाइल्स की बात करें तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर
हम लोगों ने हाइलाइटर जो लगवाया है वो एकदम ग्लॉसी में है, जो कि किचन के लिए बहुत ही अच्छा है, साफ करना बहुत ही इजी हो जाता है। ये देखिए, और बाकी जगह पे हम लोगों ने ये प्लेन में टाइल्स लिया है जो कि हाइलाइटर से मिलता जुलता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऊपर का जो हम लोगों ने कैबिनेट बनवाया है उसमें एक में भी हैंडल नहीं लगवाए हैं, क्योंकि किचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो कि साफ करना बहुत इजी हो जाता है। और जो कैबिनेट का जो गेट है फ्रेंड्स, वो थोड़ा नीचे से डाउन किया हुआ रहता है, जिससे कि इजी आप खोल सकते हैं। ये देखिए, और एक चीज आपको दिखाना है फ्रेंड्स, ये है मेरा प्यारा सा कैंडल फ्रेंड्स। मैं इसको अपने हाथों से कैंडल, सारे कैंडल्स को बनाई हूँ, मुझे बहुत शौक है कैंडल्स बनाने का। तो ये सारे देख रहे हैं, ये सारे रंग बिरंगे कैंडल्स मैंने बनाए हैं। ये देखिए, हार्ट शेप का, हर साइज का, छोटा बड़ा। और जब भी लाइट जाता है फ्रेंड्स, तो मैं सारे रूम में कैंडल्स जला के रख देती हूँ, मुझे बहुत पसंद है कैंडल्स। और माचिस भी इसके साथ में ही रखती हूँ, ताकि लाइट जाने पे जल्दी से मिल जाए। फ्रेंड्स, आपको मेरा मॉडलर किचन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फिलहाल किचन बनवाने वाले हैं फ्रेंड्स, तो आपको शायद मेरी वीडियो देख करके फ्रेंड्स आपको अपने किचन बनवाने में हेल्प मिल सके। आप ये वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स, इससे ज्यादा स्टोरेज का जरूरत नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, इतना स्टोरेज काफी है किचन के लिए।